ये पेंसिल है मेरे पास, और इस पेंसिल को आप अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, और आपके पास एक कटर होता है, शार्पनर होता है, शार्पनर से आप जब इसे छीलते हैं तो इसके अंदर का जो पतली छड़ जैसा होता है, इसे आप रिलीफ जिसे आप बोल सकते हैं, इंक जिसे पतली छड़ जैसे ग्रेफाइट का जो बना होता है, ये यूज़फुल का होता है, और ऊपर इसका कोई काम का नहीं होता है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगर यूज़फुल ना हो, काम में अगर नहीं आए, तो वो कोई काम के नहीं होते हैं। उन्हें चाहिए कि अपनी वैल्यू बढ़ाए, अपने अंदर कुछ अच्छा ट्रेनिंग सीख के, कहीं पे अच्छी एजुकेशन लेकर, कोई नया स्किल सीख के वो अपने आप को डेवलपमेंट कर सकता है। जब आप बचपन में रहते हैं तो आपको पेंसिल दिया जाता है, और उसके साथ आपके पास दो चीज़ होती है, एक रबड़ और एक कटर। तो आप जब इससे लिखते हैं, जब आप इसको छीलते हैं, तो ये बहुत सारी परेशानियों से झेलता है, उसके बाद जो है ये यूज़फुल बनता है। तो इसी तरह आपके पास भी इसी तरह बहुत सारी परेशानी आती है, आपको हर एक एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, तब आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है, तजुर्बा आता है, नई नई स्किल आती है, तो आप जो घिस कर एक अच्छा और एक कामयाब व्यक्ति बनते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आपके पास पेंसिल होता है, आप उससे लिखते हैं, जब कुछ गलती होता है साथ ही साथ आपके पास इरेजर होता है, रबड़ होता है, जिससे आप मिटा लेते हैं अपनी गलतियों को। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको फिर दिया जाता है पेन, आप अगर उससे लिख लिए फिर अपनी गलती को आप मिटा नहीं सकते। आप छोटे हैं, आपने गलती की तो ये एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, चलो इससे गलती होगी, लेकिन आप बड़े होकर गलती करते हो तो ये लोग उम्मीद नहीं रखते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पुरानी जो पास्ट की गलती लेके बैठ जाते हैं और उसको लेके परेशान होते रहते हैं। आप उसको छोड़िए, अब अपनी गलती को आप जो है उस गलती को आप दोहराएंगे तो ये आपकी गलती है, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे आपको बढ़ना है, आगे अपना बेस्ट देना है, नए स्किल सीखकर, अच्छा न्यू एजुकेशन लेकर, और अपने एक्सपीरियंस में आगे बढ़ते बढ़ते आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को यूज़फुल बनाएं और अपने लाइफ में कामयाब हो जाएं।